हेलो फ्रेंड्स, हमने आप सबके लिए जो है ना वो मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर विच इज़ रिटन बाय रेनन मार्टिन की जितनी भी बुक की एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर्स के बाद, उन एक्सरसाइजेज को चैप्टर वाइज सॉल्व करके वीडियो रखने का जो है ना सोचा है। और बाकी जो तले की वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व करके रखी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं हमारी चैप्टर नंबर 7 में रिलेटिव प्रोनाउन का जो है ना हमने देखना है। चैप्टर 7 इसका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में है, विच इज़ पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नेम देयर एंटीसीडेंट्स एंड गिव द पर्सन नंबर जेंडर इन केस ऑफ ईच। तो ये थोड़ा लंबा सा है, हम कोशिश करते हैं इसको करने की। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट इज अ नाउन व्हिच इज यूज्ड अर्लियर देन दैट प्रोनाउन, जो प्रोनाउन से पहले यूज हुआ होता है नाउन उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है द कैट किल्ड द रैट। तो यहाँ पर ये जो रेट है उसके लिए जो हमने पहले देखना कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन ये दैट है। और दैट किसके लिए होता है? ये दैट यूज हुआ है इस रेट के लिए, ठीक है। तो ये द रेट इसका एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। और हमने क्या देखना है? और हमने देखना है नेम के एंटीसीडेंट्स बता दिया, गिव द पर्सन नंबर। तो ये हमारा दैट जो है हमने यूज़ किया कि रेट के लिए, और ये सिंगुलर है, ठीक है। और द रेट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग मी द लेटर्स विच द लेटर्स जो है वो नाउन है, उसके लिए हमने विच को यूज़ किया है। लेटर्स प्लूरल है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। विच द पोस्टमैन लेफ्ट, तो विच हमने रिलेटिव नाउन यूज़ किया इस द लेटर्स के लिए। और ये द लेटर्स एंटीसीडेंट भी है इस विच के लिए जो कि प्रोनाउन है। आई हैड चिल्ड्रेन हु आर क्रूअल, तो यहाँ पर जो हु है यूज़ हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है यूज़ हुआ है चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन इसका एंटीसीडेंट भी है, और ये प्लूरल में लिखा हुआ है, और ये आपका कॉमन जेंडर है चिल्ड्रन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। अच्छा, द बुक हमारा एंटीसीडेंट है किसका? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट द बुक है, विच इज सिंगुलर और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, हमारे पास एक्सरसाइज 2 है इसकी। चैप्टर 7 हमने जो है ना वही शुरू कर लिया है, ठीक है। चैप्टर 7 का रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज नंबर 2 है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो है वो सेंटेंस है गॉड हेल्प दोस, यहाँ पर हम लिखेंगे डैश हेल्प देमसेल्फ, तो ये हो जाएगा हु हेल्प देमसेल्फ। देन हमारे पास है यहाँ पर इज दिस द वे which leads to the station, तो हम इसको that या which का इस्तेमाल करेंगे, which leads to the station। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है we saw the dog that worried the cat, ठीक है, और which worried the cat और that worried the cat यहाँ भी यूज़ करेंगे relative noun that। He is the man whom you can trust, तो क्या हो जाएगा? He is the man whom you can ट्रस्ट, तो हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है यहाँ पर इसको। और हु यू कैन ट्रस्ट इज ऑल्सो करेक्ट वन। अच्छा, हमारे पास अगली एक्सरसाइज है विच इज़ अबाउट वर्क इन पेयर्स, ज्वाइन टुगेदर ईच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मीन्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करके इनको जो है ना वो ज्वाइन करना है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है, द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पर इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? ये हो जाएगा द थीफ Who stole the watch was punished। तो हमने क्या किया? With the help of relative pronoun which is who, यहाँ पर जो है relative pronoun है इसके हमने help से क्या किया, इन दोनों sentences को connect कर दिया, अब ये जुमला एक sentence बन गया। उसके बाद हमारे पास second है coal is found in Punjab, it is very useful mineral। तो इसको हम कर देंगे Coal, which is very useful mineral, क्या हो जाएगा? Which is very useful mineral found in Punjab।
तो ये हो जाएगा हमारा कॉल इज वेरी कॉल विच इज वेरी यूजफुल मिनरल फाउंड इन पंजाब. तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव प्रोनाउन विच हमने इन दोनों जुमलों को सेंटेंसेस को कनेक्ट कर लिया. उसको दैट बॉय बाउल्स वेरी वेल यू सी हिम देयर. तो क्या हो जाएगा दैट बॉय बाउल्स वेरी वेल यू सी हिम देयर. तो क्या हो जाएगा इसको हम कनेक्ट कैसे कर देंगे दैट बॉय whom you see there, whom you see there bowls very well. क्या हो जाएगा bowls very well. तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को भी करेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोनाउन विच इज whom. अच्छा उसके बाद हमारे पास है द बॉय टेल्स लाइज ही डिजर्व्स टू बी पनिश. तो क्या हो जाएगा हमारा द बॉय हु टेल्स लाइज क्या हो जाएगा द बॉय हु टेल्स लाइज डिजर्व्स टू बी पनिश्ड. तो इस तरह से हम इसका इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन हमने ऐड किया यहाँ पर व्हिच इज अबाउट व्हिच इज यूज्ड फॉर बॉय. तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है. अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी जो प्रोनाउंस है इंट्रोगेटिव है एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव है ये सारी एक्सरसाइजेस जो है मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर से ली गई हैं. इन सब को हम जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिएगा. इंशाल्लाह आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे. अगली वीडियो तक के लिए बाय.